हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैकरटीम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखना। मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम अपने मोबाइल को माइक्रोस्कोप बनाकर दिखाएंगे। जी हाँ, तो आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से कई सारे लोग हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए मस्त मस्त वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अपने मोबाइल के कैमरे को माइक्रोस्कोप कैसे बनाए ये सिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मोबाइल को माइक्रोस्कोप बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम जो बचपन में इस प्रकार की लेज़र लाइट से खेलते थे, उसी लेज़र लाइट के अंदर से हमें कुछ इस प्रकार का एक लेंस देखने को मिलता है। ये वाले लेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी और इसको कुछ नहीं करना, सिंपल हमारे मोबाइल का जो प्राइमरी कैमरा होता है उसके ऊपर इस वाले लेंस को सेलो टेप या फिर और कुछ भी चीज़ की मदद से हमें फिक्स कर देना है और बस सिंपल हमारा माइक्रोस्कोप बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हमारा माइक्रोस्कोप बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आप अपने घर पे बिल्कुल आसानी से माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। तो चलिए, अब इस वाले माइक्रोस्कोप की मदद से हम आपको बारीक चीज़ों का व्यू दिखाते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सेलो टेप की मदद से हमारे मोबाइल के जो प्राइमरी कैमरा होता है उसके ऊपर सेलो टेप की मदद से लेंस को कुछ इस तरीके से फिक्स कर दिया है। तो आपको भी घर पे अपने मोबाइल को माइक्रोस्कोप बनाने के लिए लेज़र लाइट वाला लेंस को कुछ इस तरीके से अपने मोबाइल के प्राइमरी कैमरे के ऊपर कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। तो दोस्तों, हमने हमारे माइक्रोस्कोप को ट्राइपॉड के ऊपर अच्छे से फिक्स कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये पेन है और ये पेन का ये वाला पॉइंट को हम आपको हमारे माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप है और चलिए, इस वाले माइक्रोस्कोप के नीचे हम यहाँ पर हमारी पेन रख देते हैं और इसको देखते हैं। यहाँ पर हमने पेन रख दिए और सिंपल हमें माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर फोकस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारी पेन का पॉइंट को माइक्रोस्कोप में अच्छे से फोकस कर लिया है। यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारा पेन का पॉइंट है और यहाँ पर मैं आपको पेन को हिलाकर दिखाता हूँ। तो यह था हमारा पेन का पॉइंट। तो चलिए, आप किसी दूसरी चीज़ को यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है ये सिलाई में यूज़ होने वाला धागा। तो चलिए, अब इसको हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं कि हमें ये धागा किस तरीके से माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई देता है। तो चलिए, अब यहाँ पर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं और हमारे माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर धागे को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे अच्छे से फोकस कर लिया है। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे कि धागा हमारा किस तरीके से दिख रहा है। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up in a bar. Wish on a star. दोस्तों, अब की बार हमारे पास है एक छोटा सा कापड़ का टुकड़ा और चलिए, अब इस टुकड़े को हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे लगा कर देखते हैं कि हमें किस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। तो इसको यहाँ पर हम रख देते हैं और इस वाले कांच को इसके ऊपर रख देते हैं और ये फिक्स हो चुका है। और चलिए, अब हमारे माइक्रोस्कोप को इसके ऊपर लगाते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर हमारे माइक्रोस्कोप को कापड़ के टुकड़े के ऊपर अच्छे से फोकस कर लिया है। यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दिख रहा है। चलिए, अब किसी दूसरी चीज़ को यहाँ पर माइक्रोस्कोप में लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों, अब की बार हम अपनी हाथों की स्किन को इस वाले माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। तो आइए, हम आपको दिखाते हैं कि हमारी हाथों की स्किन इसमें किस प्रकार से दिखती है। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं अपने हाथ को फिक्स कर देता हूँ और इसको फोकस करने की कोशिश करता हूँ और आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि हमारी स्किन इसमें किस तरीके से दिख रही है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नई वीडियोस के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम मिलते हैं आपको नई वीडियो में।